बिहार के मदस्थ विभाग के मंत्री मुकेश सैनी अब पूर्व मंत्री बन गए हैं। देखिए क्या है बड़ी खबर और मंत्रिमंडल के जिया भवन से क्यों दिया जा रहा है उनको विदाई। ब्यूरो विस्तार से बताएंगे खबरें, बने रहिए आप हमारे साथ। वहीं आज की बड़ी खबरों में बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सबसे बड़े रणनीति को। जी हाँ, गुजरात में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा निर्णय। व्हाट्सएप पर भेजे जा सकते हैं 2 GB के डाटा। नया अपडेट के साथ व्हाट्सएप ने फीचर को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई रणनीति के तहत एक बार फिर से देशवासियों को बड़ा सौगात दिया है। क्या है बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। और बताएंगे आज की बड़ी खबरों में बिहार में चल रहे संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश सरकार ने एक बार फिर से नया जिम्मेवारी नए कंधों पर डालना शुरू कर दिया। और इसके साथ ममता बनर्जी की बढ़ती मुश्किलें। जिया CBI कोर्ट के स्पेशल कोर्ट की अदालत में लगातार TMC के लगभग 84 नेताओं की गिरफ्तारी तय। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को लेकर के आ रही बड़ी खबरें। दिल्ली के तर्ज पर आपको बता दें पंजाब को भी विकसित करने का कार्य शुरू और अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा विस्तारीकरण का नीति। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने NDA में जाने की रणनीति को बनाया। नीतीश कुमार को कहा कि इनसे नहीं चल रहा बिहार। इसको लेकर बेहद बड़ी खबर। नीतीश कुमार के सुरक्षा में हुए चुक के सामने आने के बाद में बड़ा खुलासा। कौन मारना चाहता है नीतीश कुमार को, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। इतना ही नहीं, पंजाब में डोर टू डोर राशन पहुंचाने के लिए भागवत मान का सबसे बड़ा जिया सौगात। पंजाब के लोगों को सत्ता की कुर्सी पाने के बाद सबसे बड़ा सौगात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे के साथ ही मिलेगा आपको भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा। दोनों किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। इतना देश को सबसे बड़ा सौगात। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से विपक्ष की कुर्सी पर बैठे अखिलेश यादव, जब पीठ थपथपा कर योगी आदित्यनाथ ने दी जीत की बधाई। और इसके साथ पेट्रोल और डीजल की रेट में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमत में कम होने के साथ भी क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई और उसके साथ ही 80 पैसे आज पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गया। और अब जी हाँ, हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपको बता दें कि गोरखपुर से मिलेगी बनारसी के लिए फ्लाइट। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त, और ये खबर नीतीश कुमार को लेकर के आ रही है। नीतीश कुमार के सुरक्षा में हुए चूक के मामलों को लेकर के अब विपक्ष लगातार सरकार के कानून व्यवस्थाओं को सवाल के घेरे में लाता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जब एक दौरान स्वतंत्रता सेनानी को माल्यार्पण के लिए पहुंचे हुए थे, उस दौरान नीतीश कुमार के कंधों को खींच एक थप्पड़ उनको लगा दी गई और इसके साथ ही कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठा। सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, इन सभी चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में हुए चूक के मामले अब सरकार को घेरने के लिए काफी हैं। विपक्ष लगातार इस आपको बता दें हमले की निंदा कर रहा है और कह रहा है कि पूरी तरीके से इस हमलों की निंदा की जा रही है, लेकिन अब फिर भी सवाल के घेरों में सरकार को इस वजह से खड़ा किया जा रहा है कि जहां मुख्यमंत्री ही सुरक्षित ना हो वहां की जनता भला क्या सुरक्षित रह सकती है। इन सभी चीजों को लेकर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर आई सामने। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज बयान सामने आया। तेजस्वी यादव से आज मंत्रिमंडल में इससे बाहर निकाले जाने वाले मदस्थ विभाग के मंत्री मुकेश सैनी पर भी सवाल पूछा गया और इसके साथ ही पूछा गया कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के मामलों को वह कैसा देखते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है, लेकिन इस दौरान अगर ये जिन्होंने किया ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसमें लोकतंत्र के अंदर इसकी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने अपना विरोध ही जताया है, किसी ने अगर अपना आक्रोश ही जताया है, तो यह सरासर गलत है। और भला मंत्री जी के जिया सुरक्षा में चूक के मामले सामने आने के बाद में कैसे पता चल गया महज 5 मिनट में कि वह व्यक्ति मानसिक तौर पर हिला हुआ है। जो सोने की दुकान चलाए वह मानसिक तौर पर कैसे हिला हो सकता है। इन सभी चीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरे में लेते हुए नजर आए। बड़ी खबर। मुकेश सैनी के पत्ता तो उसी वक्त कट गया था जब वह बलिया समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में चुनाव लड़े और इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मोदिया कहा, अमित शाह को अमितवा कहा और इसके साथ ही अपने दुरुपयोग भाषाओं का इस्तेमाल कर पूरी तरीकों से उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को खेरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। और उस वक्त यह लगने लगा था कि मदस्थ विभाग के मंत्री और अपने आप को बिहार के सत्ता में काबिज रखने वाले और सत्ता को बचाए रखने वाले मंत्री को इस बात
का जो आश्वासन दे रहे थे कि बिहार में सरकार उनकी बदौलत चल रही है, तो इस बात का पत्ता कटना तो तय था। अमित शाह और उनकी बंद कमरों में जो बातचीत हुई, इस पर अब सूत्र बताते हैं कि अमित शाह और मदरसा विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के बीच में डील हुआ था कि आपका सिंबल होगा, कैंडिडेट हमारे होंगे। पहले से तय कैंडिडेटों ने चुनाव को जीत हासिल की थी और इसके साथ तीनों कैंडिडेटों ने शामिल होकर पूर्व मुख्यमंत्री, आपको पूर्व मंत्री के तौर पर अब मुकेश सहनी को बता दिया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं मदरसा विभाग के मंत्री, पूर्व मंत्री। चलिए व्हाट्सएप को लेकर के बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। व्हाट्सएप अब एक बार फिर से बड़ा सौगात आपको देने जा रहे हैं यूजर्स को। यूजर्स पहले महज 200 से 300 kbps का जो है वो आप फाइल जो mbps का फाइल जो है वो भेज सकते थे, लेकिन अब 2 GB डेटा को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर कहें तो जीमेल और इसके साथ साथ टेलीग्राम को टक्कर देने की तैयारी व्हाट्सएप की ओर से शुरू हो गई है। व्हाट्सएप बीटा में लॉन्च किए जाने वाले नए फीचर्स के अनुसार अब व्हाट्सएप पर 2 GB का डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिसके साथ ही व्हाट्सएप ने तमाम मैसेंजर कंपनियों को फिर से टक्कर देना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही शुरुआत हो गई है आज की बड़ी खबर की, जहां सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है व्हाट्सएप को लेकर के। व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया और इसके साथ ही एक बार फिर से अब बड़ा भूचाल मचा। व्हाट्सएप बीटा में लगातार कुछ बड़े बदलाव करता रहता है, लेकिन इसका क्या कुछ फायदा होगा? फोन पे को टक्कर देने के लिए पे व्हाट्सएप लाया गया था। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को फतह करने के लिए रणनीतियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। महज एक हफ्तों के अंदर उनके दौरे लगातार किए जा रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता की कुर्सियों पर काबिज है, लेकिन पटेल समुदाय के वोट बैंक पर असर अब भारतीय जनता पार्टी नहीं डाल पा रही है, जिसके साथ आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां इस बार कटी हुई पतंग को लूटना चाहती है। और इस कटी हुई पतंग को लूटने के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस भी अपने जोड़ तोड़ और राजनीति को मजबूत कर रही है। हार्दिक पटेल को मैदान में उठाकर पटेल समाज के वोट बैंक पर कांग्रेस दबाव बनाना चाहती है और पटेल समाज के वोट बैंक को साथ लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लाना चाहती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य को बिल्कुल भी बिछोड़ना नहीं चाहते, चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी काबिज रहे और गुजरात का विकास उन्नति होता रहे। इस वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के दौरे के बाद एक लगातार किए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई सामने। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी 2015 में जब लागू किया गया, उस दौरान कई प्रकार की नई बातें सामने आई। यह बात आया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोट बैंक से इस बार मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। इन सभी चीजों को लेकर के आ रही बड़ी खबरों के अनुसार बिहार में संपूर्ण शराबबंदी तो है, लेकिन अब टीचर के साथ साथ तमाम लोगों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। अब कमर आप भी कस लीजिए, क्योंकि अगर आपके भी घरों में 2 बोतल शराब किसी ने रखकर और कॉल कर दिया तो आप भी फंसेंगे। बिहार में रहने वाले लोगों को सतर्कता तो बरतनी ही होगी। ऐसे कई मामले सामने आए, पूर्णिया की बात कर लें या बात कर लें मुजफ्फरपुर की, तो यहां पर पटीदार ने ही घर में दारू को रखकर और उसके बाद में टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दिया, जहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दोनों लोगों ने सफाई में यह बात कहा कि घर में शराब रखकर और लोगों को फंसाया जा रहा है। क्या यह सही है? दोस्तों, लोकतंत्र के लिए पूरी तरीके से गलत है। और इतना ही नहीं, अच्छे तरीके से जब मामलों की जांच होगी तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सकते हैं। चलिए टीएमसी नेता की बढ़ती मुश्किलों के बारे में बात करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कांटे के टक्कर की लड़ाई दे रही जी हां मंत्री ममता बनर्जी ने अब प्रधानमंत्री का दूसरा विकल्प जो है अपना बनाया है। आपको बता दें कि दूसरा विकल्प अपना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि महज अब वक्त का इंतजार करिए, पत्ता तो आपका भी कटेगा। और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर असर बनाते हुए उन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी से अब लगातार एक नंबर की पार्टी बनने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके द्वारा जारी स्टेटमेंट में बिरभुम हत्याकांड की जिक्र ना करते हुए भी लगातार बिरभुम की बातों को लेकर के सीबीआई स्पेशल कोर्ट की अदालत में इस बात की मामले की जांच हो रही है कि होली के दिन जिंदा जलाए जाने वाले लोगों में किनका किनका नाम शामिल है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता का नाम सामने आया। लेकिन कौन किया, तो इसमें सामने आया नाम वो था टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के बने कुछ गुंडों का। तो बेहद बड़ी महत्वपूर्ण खबर।
चलिए, कच्चे तेल की कीमत अगर कम हो रही है तो देश में तेल की कीमत भी कम होनी चाहिए। लोगों ने सरकार से सवाल पूछा है और सरकार से सवाल पूछते हुए लोगों ने कहा है कि अगर देश के अंदर पेट्रोल के कच्चे तेलों की कीमत कम हो रही है तो तेल की कीमत आखिरकार क्यों बढ़ रही है। लगातार 8 दिनों से अब पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। रोजाना 80 पैसों की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल आज बिहार में 114 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। इसके साथ राजस्थान की बात तो 170 रुपए प्रति लीटर और दिल्ली की बात करें तो 100 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल की कीमत जाने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। जिसके साथ आम जनता ने सरकार को घेरा और कहा चुनाव आयोग के द्वारा अगर आज ही चुनाव के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए तो अब चुनाव में यहां इन सभी चीजों का मुद्दा ठप हो जाएगा और पेट्रोल की कीमत भी बंद हो जाएगी। लेकिन अब पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है इस पर सरकार को अपना संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।